Hello, Mikhil and Sravani. Today we are here to discuss how you guys survived two online semesters. And जैसा हम सभी जानते हैं कि IIT Bombay was established somewhat in 1958. तो आई थिंक 60 इयर्स और इनफैक्ट मोर देन 60 इयर्स में ऐसा ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ नहीं था पहले कभी, और नहीं अभी ऑनलाइन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है. तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू गाइज मैनेज टू सर्वाइव दिस टू मीन्स टू ऑनलाइन सेमेस्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन बिगिन विथ कि ये ऑनलाइन सेमेस्टर मतलब क्या है, ये ऑनलाइन सेमेस्टर कैसा है, हाउ इज इट वर्किंग एक्चुअली. या सो निखिल इफ यू कुड टॉक अबाउट इट. बेसिकली ऑनलाइन सेमेस्टर इज लाइक ऑल द क्लासेस आर कंडक्ट बीन कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन एक्टिविटीज आर नॉट हैपनिंग राइट नाउ एंड ऑल द लैब्स एंड द इवेंट्स वॉट एवर विच एवर हैपनिंग इन द कॉलेज प्रीवियसली दे आर लाइक कंडक्टिंग ऑनलाइन एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट एग्जाम्पल दो या सो जब ज्वाइन करे थे वी एक्सपेक्टेड कि वो पूरा क्लासरूम का एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली या ऑल द लेक्चर्स एंड लैब्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज लाइक वर्कशॉप्स एंड कॉम्पिटिशंस एंड स्टफ एवरीथिंग इज बीइंग कैरीड आउट ऑनलाइन ऑन यू प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबएक्स एंड गूगल मीट एंड एमएस टीम्स मोस्ट कॉमनली. सो चल रहा है सब कुछ. चल रहा है तो मजा आ रहा है, अभी तक मजा आ रहा है. क्लासेस तो ठीक है, क्लासेस पढ़ने में मजा आ रहा है लेकिन जो फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे तो थोड़ा फील हो रहा है कि क्यों ऑनलाइन क्यों कोविड बहुत सारा तो फेस टू कब फेस वेट कर रहा है बस कि हाँ कब मिलेंगे फ्रेंड से, कब कॉलेज में जाके बस वो नॉर्मल हो जाएगा सब, उसके लिए वेट कर रहे हैं. मे बी कुछ से मिल जाए हमें ऑफलाइन में. या क्यों कोविड, इसका जवाब बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं. क्यों कोविड, व्हाई कोविड, व्हाई जब हम लोग हैं तभी क्यों. यू गाइस मेंशन कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करने पर जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आई थिंक वेबएक्स आल्सो. सो इसके लिए क्या मतलब लैपटॉप थोड़े हाई एंड लैपटॉप चाहिए और नॉर्मल लैपटॉप विल सर्व द पर्पस. नॉट नेसेसरी. हाँ मतलब हर एक एप्लीकेशन का वेब टूल भी है, तो फिर वो भी ओपन कर लिया क्रोम में तो फिर चल जाएगा. सो यू डोंट नीड अ हाई एंड लैपटॉप. यू कैन ऑपरेट दैट इन द ब्राउजर ऑल्सो लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड द स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, नॉट वेरी हाई स्पीड दैट बट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर. एंड या आई थिंक इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी दीज टू आर द की फैक्टर्स इन एनी ऑनलाइन सेमेस्टर आई गेस. बट स्टिल रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लेक्चर्स तो अवेलेबल रहते ही है. एंड अगर कोई कुछ मिस भी होता है, होने वाला है ऐसा लगा, तो पहले ही फ्रेंड्स को बोल सकते हैं टू रिकॉर्ड द लेक्चर. सो देर आर लेस चांसेस टू मिस एनीथिंग. मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आल्सो लाइक दे आल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर आल्सो दे विल प्रोवाइड एंड द रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो लाइक दे आर जनरली अपलोडिंग इट ऑन द ड्राइव और द यूट्यूब वेर एवर लाइक इट इज कन्वीनियंट फॉर देम एंड ओके दे सो विल मेक द लिंक अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन वॉच इट इन आवर टाइम लाइक एनी टाइम. सो आई थिंक ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन सेमेस्टर में कि यू या कैन ये बेनिफिट है. तो और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब क्लासेज हो रहे होते हैं तो क्या वीडियो ऑन करना पड़ता है आप लोगों को या किसी भी तरह से काम चलेगा. इट इज नॉट कंपल्सरी टू ऑन द वीडियो एक्चुअली लाइक समटाइम्स प्रोफेसर आस्क अस लाइक फर्स्ट टाइम दे आस्क अस टू ऑन द वीडियो ओनली इन द इंट्रोडक्शन राइट राइट हाँ राइट दैट्स इट. इंट्रोडक्टिव वो भी ऑप्शनल रहता है, इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू कांट लाइक इफ योर बैंडविड्थ डज नॉट सपोर्ट दैट तो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली स्विच इट. सो आई थिंक या निखिल प्लीज. ऑडियो इज सफिशिएंट आई डोंट थिंक लाइक सम प्रोफेसर लाइक दे हैव सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेंडेंस सो दे आस्क यू इनिशियली टू ऑन द वीडियो लाइक यू आर प्रेजेंट देयर और नॉट ओनली फॉर दैट पर्पस लाइक देन यू कैन स्विच इट ऑफ इफ दे चेक हाँ मतलब पूरा टाइम आगे किसी हाँ को नहीं बिठा दो आप अपने लेक्चर में. यस सो आई थिंक ऑनलाइन सेमेस्टर समवॉट इज सिमिलर टू ऑफलाइन, बट इसमें ऐसा है कि सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है. मीन्स देर आर नो मीन्स लेक्चर हॉल वगैरह में क्लासेस नहीं हो रहे, सब कुछ आपको लैपटॉप पे बैठ के, और देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी चीजें आईआईटी ने प्रोवाइड कराई है, उसके थ्रू आप सारे के सारे क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं.
सो वी विल टॉक अबाउट कि एग्जाम्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे इन अ व्हाइल, बट बिफोर दैट वी कैन टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स की, चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्या ये ऑनलाइन सेमेस्टर्स, आर दी ऑनलाइन सेमेस्टर सेफ, वी कैन ट्रस्ट की कुछ मतलब डेटा चोरी कुछ ऐसा तो इश्यूज नहीं हो रहे हैं, आर दी सेफ? Yeah, so IIT Bombay uses SSO login, like single sign-on login. So that is very secure and safe. So you just need to create your credentials once, and you use that throughout your the entire time that you're staying here. जो भी कोई भी IITB application से सब में वही credentials use हो जाते हैं. So वो एक अच्छा है and काफी secure है sir. There's no issue of safety. And it is very much safe. Like if you somehow you got your password leak, then even though like you log in from like wherever you log in, you will get the mail on your mobile phone. You will get the SMS and you will get the mail like from this place you are logging in. Like the system you are using actually from Android, if you are logging in, and single ID for everything. I think the every software licenses which were bought by the IIT Bombay, they are available on that ID only. Through you can access through that ID, LDAP ID, which is bought. Yes. So yes. SSO का मतलब ये है कि हमें मोबाइल पे या एक पासवर्ड अलग से आता है. Right. हाँ हाँ. Two-way authentication. Two-way authentication. So even if someone has my password, they cannot access my miss account. Right. Yes. Right. You need the mobile phone for the OTP. Right. Yes. और ये LDAP ID क्या है? LDAP ID is the email ID provided by the IIT Bombay. Like we have our roll number or the name initially @iitb.ac.in. This is the LDAP ID. Two LDAP ID we have at one of the department and one of the IITB LDAP ID. You are using. Yes, Mikhil and Sabni. So now another important aspect ki chalo humne ye baat kar li ki yeah we can trust ki our IIT Bombay has also certain measures in place by which we can trust ki ye safe hai, usme koi issue nahi hai. But again, are these worth ki given ki sab kuch online chal raha hai, matlab to ye itna effort dalna worth hai kya, matlab classes wagera quality of lectures ke terms mein, support systems ke terms mein worth hai ya nahi? Still it is worth, I think. Even though it is online, still it is IIT Bombay. हाँ, तब knowledge तो gain हो रहा है, like just properly चल रहे हैं. बस problem ये है कि you have to stay in front of a screen the entire time and you can't actually meet these people. So वहाँ पे miss out करेंगे, वो personality building वगैरह चीजें miss out करेंगे. But बाकी हाँ, जो भी knowledge gain करना है, project करना है, वो सब तो चल रहा है. Still every meet is happening on the time. Yeah, they are trying their best. मैक्सिमम एफर्ट्स तो पुट इन कर रहे हैं लोग यहां पे, लाइक प्रोफेसर आर आल्सो लाइक दे आर आल्सो चेकिंग योर प्रोग्रेस आल्सो. या एवरी टाइम दे आर आस्किंग यू वेदर यू आर ओके विद द लेक्चर, दे आर टेकिंग फीडबैक्स आफ्टर एवरी वीक, लाइक इफ देयर इज एनीथिंग वी नीड टू इंप्रूव. या एक्सेलेंट, दे कीप अपडेटिंग देयर मेथड्स अकॉर्डिंग टू द. इट सीम्स लाइक यू गाइस आर हैप्पी विद ऑनलाइन सेम, तो क्या पूरा ऑनलाइन सेम आगे कराया जाए? नहीं, वी आर नॉट हैप्पी यार, मतलब ठीक है, हो रहा है तो चल जा रहा है, मतलब ठीक है. ऑफलाइन मिल गया तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ये भी खराब नहीं है. लाइक ऑनलाइन इज द 40-60% एकेडमिक्स यू कैन कवर, बट द लेस्ट 40% आर द पीयर लर्निंग. Like you cannot meet with your friends, you cannot meet your professor directly anytime. You have IIT Bombay ka fun part miss ho raha hai. Like the fun part, like whatever you have in that. Yeah. IIT Bombay. But I think luckily, as I have been informed, you guys are back to the campus, so कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत. हाँ, थोड़ा बहुत मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ वैसे. ठीक है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है सब कुछ, but हाँ, हम दोस्त सब मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा. Restrictions are there, still like we are following the regulations, whatever they have authority that have asked us to do. Like wearing mask everywhere, double mask they have asked like recently. So that is why it's pretty safe here. Like it's safer than outside in Mumbai. Right, very much safer. Like they have managed everything. The student task force, which is managing, that's a contact tracing team. If you are like somehow you got infected, they will contact trace you. Like and everything is safe. Like so, authorities are managing very well basically. Everything. Yeah, everything immediately ho jata hai.
Yeah, we will also talk about COVID situation in campus in a while. But before then, we can talk about, you know, a few other aspects of online semesters. कि जैसे offline semesters में होते थे कि like professors, TA, वो तो class के अंत में भी और they also used to provide कि हमारा office time ये है, you can walk into my office. और TA भी same करते थे कि office में आ जाना, उनके lab में जाके हम doubt discuss करते थे. But अभी कैसा हो रहा है given that everything is being done online, so how do you guys ask your, you know, queries or doubts? कैसे पूछते हो वो सारी चीजें? So either you can ask your doubts directly during the online session, like the live lectures. उसपे teachers, professors mostly रोकते नहीं हैं. और there are clip sessions for discussing doubts regarding assignments and stuff. जिसमें TAs help करते हैं clear those doubts. And apart from that, some professors also are arranging that walk-in, basically simulating that walk-in wala cheez by basically like separate by doubt sessions jaisa hi hai, but professors ke saath, not with you can directly DM the professor and they will and yeah, arrange with them anytime. Like most of the professors are like you ask them, they will if they are unable to clear the doubt in the message only, then they will ask you to come to the meet. There is available because you can post on doubts on the platforms also like MS Teams and Moodle. Well, yeah. And they will solve, like they will reply within an hour most of the time. They will reply immediately, and the TA will also reply. Whoever the assigned to the post. Online forums का interaction काफी important है. Like whatever doubt you have, आप Moodle पे post करें, MS Teams जो भी platform उसपे आप post कर सकते हैं. Right, you can post it directly. We can post it. या एंड लाइक Sravani एंड Nikhil, यू गाइस मेंशन कि उन्होंने अलग से फिर भी सेशन कंडक्ट वो करा रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद Moodle, तो अलग से भी वो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं. यस, सो आई थिंक देन यू गाइस आर नॉट मिसिंग, यू नो, सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर स्टडीज गिवन दैट वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, डाउट्स को हैंडल करने का मौका वो दे ही रहे हैं. जस्ट अ फन पार्ट, दैट स्मॉल फन पार्ट वी आर मिसिंग. बहुत फन करने की इच्छा है तुम लोगों को. Yeah, we will talk about the various funds which you can do while being in the campus, and we hope that ki agle aane wale jo semesters hain tum logo ke shayad tum wo IIT Bombay dekh pao. Let's hope. So, yes. So again another aspect hai Sravani aur Nikhil ki, jaise offline semester tha, matlab har cheez le de ke usi pe aa rahi hai ki offline mein hamare paas ek interaction ka mauka hota hai, like we know ki that guy lives next to my room, to kabhi knock kar sakta hu ya mujhe pata hai ki mera senior yahan rehta hai, wahan rehti hai, lekin aap mujhe push. Abhi maan lo tumhara kuch issue aaya, like you guys are having an issue in handling Google or maybe ASC for that matter, ASC is our district subsidiary hota hai. अभी इशू आया तो किसको अप्रोच करते हो कैसे? So when I face such issues, I approached Shivali, who is my ISCP mentor. So ISCP mentor is basically a senior that is dedicated to helping you out in such situations. हाँ, who's assigned to every new student who joins the college. So Chishrudi is here. And other senior also available. If she is not able to solve a doubt, then she will ask us like other senior. Even though it is online, like we still manage to get the contacts of every senior. Still, we are contacting every senior. They are solving our doubts. Like everything is helpful. Seniors are also very much helpful. Yeah, seniors are very helpful. So, online से हमने seniors से काफी हमने like basically they are like base everything, like builds upon, like their help on their help, like everything is actually on their help. हमारे पास कोई है जिसका तुम सर खा सकते हो, जिसको तुम परेशान कर बहुत अभी तो बहुत बहुत है, पहले हम हमारे मेंटर का खाते थे, अभी बहुत लोग हैं. ओके, वो लोग भी सोच रहे होंगे ये जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो तो हमारा भी हेडेक कम होता रहा. हां, यस, बट बेचारे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट इज लाइक दे नेवर कंप्लेन. बेस्ट पार्ट, आई डिड नॉट गेट इट. या दे नेवर कंप्लेन लाइक हाउ अबाउट यू आर लाइक maybe they will get annoyed, they will not tell you, still they will that will you feel uncomfortable. Basically it's a very good system, like you can tell that the seniors at the IIT we are the best, that's like in the nutshell, like you can tell that. Yeah, by the way, what does IICP stand for? In Institute Student Companion Program. So that's under this program every newcomer is assigned a senior. Right. Yeah, newcomer, like
देयर विल बी लाइक सम मेंटी, देन यू विल बी असाइंड विद द मेंटर हु विल हेल्प यू विद द इनिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक SSOs and ASCs, they will get you familiar with them. And yeah, they'll help you adjust to the new environment and all the new infrastructure. अगले साल तुम लोग भी किसी के मेंटर बनोगे, राइट? That time, we will get a chance to be mentor some juniors, and maybe we will try to be good seniors to them. Yeah, we'll try to give our best, but हमें भी ज़्यादा experience नहीं है. हम तो अभी campus explore कर रहे हैं. Right. Yeah. Yes, because I think हमने ये सारी बातें कर ली और इससे जो हमारे अगले आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको काफी फायदा मिलेगा and at least they will also realize कि IIT Bombay has always their back. IIT Bombay is always there to support them. Even it's an online semester, but they will not have you know difficulties as such. They can still manage. Right. So again, attendance policy की थोड़ी के बारे में थोड़ा हमें बताओ कि जैसे I am not sure like कि तुम्हारे courses में attendance policy अभी है क्या online, even कि online semester है तो most of the courses पे तो नहीं है. हाँ, but कुछ professors ने रखा है and like around 70-80% attendance. They will ask you to attend like most of the online live session. Like if still you have the connection problem or anything, you can message them or mail them. They will consider it like. If you cannot attend, you cannot attend due to the bad network problem. And so attendance कैसे workout होता है? Like video on करना है, नाम लेते हैं, कैसे होता है attendance? You just have to be present there. Like there's a list available. You can see whoever is attending the lecture. Okay. Or maybe they will call out your name randomly and ask you to show up. Like if you are there. तुम लोगों ने लाइक भाई बहन को बिठा के चले गए क्लास? एक बार किया था. तो यू गाइस हैव मिस डिवाइस सर्टेन वेज कि ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, थोड़ा सा छूट. या सो अभी हम थोड़ा इस बारे लाइक एज आई नो कि तुम दोनों कैंपस में हो एंड आई थिंक तुम बहुत रिसेंटली ही कैंपस में आए हो, लाइक ओनली अ कपल ऑफ वीक्स बैक यू गाइस केम बैक टू द कैंपस. तो तुम लोगों ने पूरा का पूरा दो सेमेस्टर लगभग ऑनलाइन स्पेंड किया है और अभी कैंपस आने की, तो पहले जरा ये बताओ कि लाइक कैसे कैंपस कैसे आए गिवन कि ये सब तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट हाउ डिड यू गाइस मैनेज टू गेट बैक टू द कैंपस? इफ यू हैव रिसोर्स कंस्ट्रेंट लाइक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम और द नेटवर्क प्रॉब्लम, यू कैन मेल द अथॉरिटीज और इनिशियली एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर एंड इन द मिड ऑफ द सेमेस्टर the institute will float a form. You have to fill out that form. Like if you are facing difficulty at your place, then you can come to the campus. Okay. Right. And if your work need to be present at the institute, then you can also ask the professors or the guide. Yeah. Right. So that is how I came, because my project I need to work on some hardware for my project. So yeah, I wrote emails to the higher authorities. Requesting them to call me back to the campus and uske hisab se they considered my request and luckily ho gaya. Right. So ab to khushi mil rahi hogi ki finally pura batch nahi aaya but hum aa gaye campus mein finally. We are going to try kar rahe ki baaki friends ko bhi kaise bhi kya hai. Ha. Yeah, so you guys are running a scam ki aap sabko bulaya jaye. Wo thodi aise allow kar denge. Still they will call I think the final year M.Tech students. Mostly final year M.Tech students. Because they need their presence here in the labs and all that. The computational problem. We need to start working on our MTPs now. So.
या प्रोजेक्ट भी रहेगा, आई थिंक प्लेसमेंट भी कुछ लोगों के रहेंगे, एंड लाइक निखिल पॉइंटेड आउट कि रिसोर्स कॉन्स्टेंट, लोगों को भी मौका दिया गया है, एंड लाइक श्रप्ति मेंशन की जिनका सेटअप है या लैब एक्सेस करने की जरूरत है, दे हैव बीन अलाउड टू गेट बैक टू द कैंपस। तो अभी कैंपस में लाइफ कैसी, लाइक हाउ इज, गिवन की कोविड का सेकेंड पीक है और दुनिया तबाह है, हम लोग पूरे परेशान है, तो अभी कैंपस लाइफ कैसी है तुम्हारी? कैंपस में बेसिकली मतलब थोड़ा सिचुएशन बेटर है, बट हाँ रेस्ट्रिक्शंस तो काफी है, लाइक 4 पर्सन से ज्यादा शुड नॉट रोम अराउंड टुगेदर, एंड फिर हाँ कोई भी कैफेटेरियास वगैरह ओपन नहीं है, मतलब टेक अवे ही अलाउड है, वहां बैठ के खा नहीं सकते, सो ऐसे छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शंस हैं, यू कांट गो टू समवन एल्सस हॉस्टल एंड स्टफ, बट दैट इज व्हाई द सिचुएशन इज बेटर ओवर हियर, राइट, वी जस्ट होप। And the, from the start of this month, I think they also barred us from using the sports gym kind of facilities. Yeah. Indoor facilities are closed from the last month. Maybe if they got guideline from the government that they can open, maybe they will somehow they will try to open it. So your parents are happy that you guys are in the campus? उन्हें कैसा लग रहा है? They are happy that we are safe. Like we are more yes. safe from our place. It is very much safe. That's why they are happy. Mm. So basically, my situation is like I live in Mumbai and like IIT Bombay is way safer than where I stay. That's why they are more than happy ki acha chali. So I get more freedom here. So I can at least go and you know have some leisurely walks and stuff. घर पे तो सिर्फ घर पे बंद रहना पड़ता था घर के अंदर. वो थोड़ा better है यहाँ पे. बस बोर हो जाते थे घर पे पूरा, चार दीवार देख या बाहर निकल लो पेड़ देख लो, ये वीडियो देखेंगे तो सुनेंगे कि वो सबसे बस कट आउट दैट। ओके या सो लाइक वी डिस्कस कि आईआईटी बॉम्बे काफी सेफ है, एंड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट जो टास्क फोर्स वगैरह है उनकी वजह से सारी चीजें यहाँ पे एटलीस्ट नॉर्मल है, और इट्स यहाँ भी इम्प्रूवमेंट और हो ही रहा है, और वी होप कि हमारा कैंपस ऐसे ही सेफ बना रहे। So, अभी फिर लाइक जैसे पढ़ाई लिखाई कर ली या प्रोफेसर्स के साथ जो भी मीटिंग वगैरह आपने कर ली, तो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो सोने के अलावा? और सोते हैं, सोते हैं, मूवीज देखते हैं, चालू रहता है, बाकी तो जिमखाना वगैरह बंद है, वरना आई थिंक ये लोग थोड़ा पहले आए थे तो इन लोग ने काफी एंजॉय किया है, क्रिकेट ग्राउंड्स में एवरीथिंग, हां सब कुछ देख लिया इन लोग ने, और फिर हाँ अगर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा कम हुआ तो फिर यू कैन आल्सो हैव लाइक गो एंड हैव अ ट्रैक ऑन समीर हिल एंड थोड़ा पवे लेक के पास भी यू नो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या काफी कुछ है, हां बस अभी कम यार रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम होंगे तो आई थिंक हमारे कैंपस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोट हाउस है, हमीर हिल है, और जिमखाना ग्राउंड ऑब्वियसली, बड़ी सारी चीजें हैं जो कि एक्सेस तुम लोग कर सकते हो। राइट, वी आर ट्राइंग, वी विश दैट कोविड विल रिड्यूस, कोविड केसेस विल रिड्यूस अक्रॉस द कंट्री, लोग रोज पूजा करो भगवान से कोविड को खत्म कराओ, ठीक है, ओनली देन वी कैन टेक अ नॉर्मल लाइफ टू लिव। हां क्योंकि लैब में हो सकता है कि हार्डवेयर सेटअप वगैरह की जरूरत पड़ती हो, वो लैब्स हाउ आर द लैब्स बीइंग कंडक्टेड इन दिस यू नो पैंडेमिक एरा? या सो एनी लैब दैट रिक्वायर्स योर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट बीइंग कंडक्टेड, it's being skipped. बाकी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है या फिर कोडिंग रिक्वायर्ड है या फिर एनी एप्लीकेशंस लाइक मतलब GNU रेडियो वगैरह कुछ यूज हो रहा है तो दे आर कंडक्टिंग इट एज इट इज, जैसे यहाँ पे पहले होता था वैसे, बट यू नीड टू इंस्टॉल दीज थिंग्स ऑन योर पीसी, तो वहां पे यू कैन फेस इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। And you can also get the access to the computational servers, like if you want some lab computer, like high-end computational server, you can ask the professors to give access, you can ask the system administrator to give the access to the high-end server, they will give all the basic thing. That's how you can use the labs, right? And some, I think I heard about some courses, like there was course in embedded systems of the computer department. They were required to get the hardware, so they
they mailed hardware to their like places. वो काफी एफर्ट डाल रहे हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस वाइज लर्निंग वाइज कुछ सफर ना करना पड़े, उनका सब कुछ एज मच नॉर्मल एज पॉसिबल जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यस, नाउ वी कैन टॉक यू नो बिट अबाउट इवैल्यूएशन पार्ट कैसा है. कि जैसे जितना मैं जानता हूँ कि लाइक हर जो कोर्स यहाँ पे होते हैं डिफरेंट कोर्स है डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड्स, तो अभी एग्जाम्स वगैरह कैसे कंडक्ट हो रहे हैं और या इफ यू कुड टेल अस अबाउट दोस थिंग्स कि एग्जाम्स कैसे अभी हो रहे हैं. एग्जाम्स आर लाइक दे विल एवरी प्रोफेसर इज लाइक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज डिफरेंट. If some professors like they decide to take the exam, they are conducting on the SAFE app. SAFE app is basically designed by the IIT Bombay, which is where you can open it on the mobile and question will appear on that there, and you have to write the answer on the paper and then you will upload it. Like you cannot cheat using the SAFE app. Like you cannot open other applications. You will not get any notification. But initially, when you are installing, you have to grant the permission to the application. You cannot use without that. And then you will log in using the SSO and all the process. Yeah. So, पहले ऐसा होता था कि कभी-कभी call आ गया तो so if in like if you try to exit out of the app, तो a notification goes to the professor. पहले ऐसा होता था कि call आ गया तो भी notification चला जाता था कि something fishy is happening. But I think recent update प्रूफ अवेलेबल दे कैन चेक द रिकॉर्डिंग्स. और आई थिंक वीडियो प्रॉक्टरिंग भी हो रही है तो इफ यू आर ट्राइंग टू यू नो लुक हियर एंड देयर तो वो डिटेक्ट हो ही जाएगा. हां मतलब ज्यादा इशू है तो यू कैन टॉक टू द टीएस एंड द प्रोफेसर्स, दे वोंट फोर्स यू टू. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द सेफ ऐप इज लाइक यू हैव टू कनेक्ट इट इनिशियली. इफ योर नेटवर्क इज लाइक इफ यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क स्टिल इट इज रनिंग. Like your video is being recorded. And after you finish the exam, it will get directly uploaded whenever the network will be available. Yeah. So that is the good part about SAFE. Mm-hmm. You don't have to be always connected to the server, to the app actually. Yeah. That is the good. Submission ke time pe bhi if your internet is not working properly, we'll save your paper, all your answers, and then jab bhi internet available rehta, it will upload. You cannot change that. Definitely, it will be available for the single upload, and after the time is ended, like just exam will end direct automatically, and it will not allow you to enter to the exam. Yeah. So I think they are blocking. Means they are assuming that two devices हैं हमारे पास, तो phone है और laptop है, दोनों को block कर रहे हैं basically, ताकि बच्चे अच्छे से लिख के फिर upload तुरंत कर पाएं within the time slot. Right. और उसके अलावा भी video proctoring और भी बड़े सारे methods हैं through which they can now. Right. So yeah, so हमने इन सब applications के बारे में बात कर ली, video surveillance, safe app and how safe app is ensuring कि network अगर loss भी हुआ even then exam पे असर ना पड़े, right? Mm-hmm. And some people also they don't have exam criteria, they are just asking the student to for the projects only. Some courses are projects, you don't need to give any exam. You just or either like they will ask you, there will be some quizzes on the Moodle also. Like they will not conduct basically the mid-sem and the end-sem. Depends on the policy. Right. Yeah. What the grading criteria keep profitable. And, yeah, and by any chance, if you're not able to give an exam on that particular slot,
यू कैन ऑप्ट फॉर लाइक यू कैन आस्क द प्रोफेसर फॉर अ री एग्जामिनेशन सो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है या दे विल कोप लाइक दे विल या हेल्प यू आउट देयर ओके मींस री एग्जाम्स के भी स्कोप हैं तो हमें भी ये ख्याल रखना है कि हम एग्जाम्स को जो उसका एथिक्स है वो पूरा फॉलो हम करें और उसकी मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मेंटेन किया जाए उसके अगेंस्ट में फिर वो पता ही चला जाता है लाइक आईआईटी बॉम्बे हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी सो वो टीएस एकदम मेंशन करते कि किसी ने कॉपी नहीं किया करके सो मोस्टली पकड़े जाते हैं बट या मतलब देयर आर वेरी दैट्स वेरी पॉइंट 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 1 केस एज यू कैन या सो आई थिंक हमने अभी सारे के सारे एकेडमिक्स वगैरह हमने मोर और लेस कवर कर लिया है और मिस वी टॉक्ड अबाउट की क्लासेस कैसे हो रहे हैं लैब्स कैसे हो रहे हैं इवैल्यूएशन स्कीम अभी कैसे फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट वेरियस प्लेटफॉर्म्स व्हिच आईआईटी बॉम्बे इज ऑप्टिंग दीज डेज टू रन सीमलेस क्लासेस एंड हमने ये सभी बात कर ली कि कैसे हमारे सीनियर्स मीन्स योर सीनियर्स आर बेसिकली असिस्टिंग यू व्हेनेवर यू गाइस रन इनटू सम इश्यूज यू हैव समवन टू नॉक कि आप उनके पास जा सकते हैं and they are also proactively supporting you wo aapke call uthate hain aapke sath matlab arrange karte hain aur aapko help karne ki puri koshish karte hain right they are available every time yeah they have to be available tumne kuch choda to hai nahi prashant kar rakhi hai yeah ab hum thodi apart from academics ki baat karte hain maybe yeah so like jaise iit bombay is known for its you know extracurricular activities jaise ki hamare paas yahan pe bahut sare clubs hain starting from technical se leke non technical non academic bahut sare clubs hain academics bhi hain jaise drama club literary club pata nahi kya kya bahut sare clubs hain to offline semesters mein log join karte the jitna main janta hu I have seen the offline semester बट ऑनलाइन सेमेस्टर के केस में अभी कैसा हो रहा है लाइक आर देयर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कि आप ज्वाइन कर सकते हैं सब कैसा चल इट इज गोइंग ऑन एक्चुअली बट नॉट इन द फुल फ्लेज स्टिल लाइक ड्रामेटिक क्लब इज अरेंजिंग देयर ड्रामास ऑन लाइक ऑनलाइन जूम मीट लाइक एंड देयर डांस क्लब यू कैन अपलोड योर डांस वीडियो देन दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट या इनिशियली आई जॉइंड द कॉमेडी कॉन क्लब देयर वर वेरी एक्टिविटीज गोइंग ऑन and starting we up to bit same it was okay but then I like about I joined I think art club and literature club ko join kiya tha shayad and starting mein sab kuch everything was happening online workshops wagera sab conduct kar rahe the hum bhi participate kar rahe the but then jaise jaise mid sem nazdik aate gaya stress zyada badhte gaya so we had to thoda reduce our Well, after the first semester they like conducted very much very many activities yeah. and like many activities were there, like engage more and more people Mood Indigo was also online the last year so yeah, Mood Indigo was also online last yes. Year. yes obviously it would be much better if all these things could right. happen in the campus and we could be here too yeah. या लेट्स होप सो कि बहुत जल्द हमें वो देखने को मिले जो मूड एंडिंग को हुआ करता था कैंपस लाइफ वांटेड टू एक्सपीरियंस इट एज एन आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सो वो मिस आउट नहीं होना चाहिए एक तो मिल जाना चाहिए एक तो मिल जाए प्लीज मिल जाए मूड एंडिंग को मिल जाए या वी होप कि तुम लोगों को देखने का मौका मिले यस यस मिखिल अंशवानी सो आई गेस now we can talk a bit about ki jaise tum log ke case mein tum log thankfully campus already aa chuke ho but jo tumhare friends hain ya tumhare peers hain unme se bhi jo do matlab most of the logon ke project wagera start ho jayenge after two semesters project shuru ho jate hain to unke liye kya scheme hai like will they be allowed to get back to the campus unke mein mauka milega depends on the covid situation if yeah, they reach yeah. that they come back kyunki ts ka to finally raha jayega with the new semester and the if another peak does not come yeah if it to fir chances hai ki they'll be called back right yeah. they will be allowed by their guide if they yeah. want to come to the campus if they really yeah priority to finally students ko diya ja raha hai
presently, like in the reboot process. So we are just hoping that they'll be called back very soon. Let's see. Yeah, everything is now COVID is deciding all the, you know, these things. Yeah. COVID will take its call. क्या करना है तुम लोगों को? So even if they come back, mostly next time तो पूरा online ही जाने वाला है. हाँ वो transition slow रहेगा ना कि अभी भी बोल नहीं सकते. Let's see. Let's hope the population gets vaccinated by the end of this semester. Yeah. And we'll get it. Sputnik aur bade sare vaccines aur bhi India mein aane wali hai shayad. I think that might help to deal with the shortage of vaccines actually. Yeah. No, yeah. Mil jayegi. Hame to jana hai to shayad hame na mile campus par tumne ko shayad mil jayegi. Right. Yeah, in the campus also vaccination camp is available. I think IIT B hospital has vaccine available. But I think they are also exploring the ways by which the students can also be vaccinated. So I think our authorities will definitely keep us notified ki unhone kya plan kiya hai. And I think Mumbai mein already shortage hai, which already our country knows ki Mumbai mein shortage hai. So let's see kab milta hai hame. Let's see. Yes. So I think that pretty much we have covered the points which we had planned actually, and some of these points were also we received it from some of our viewers. So ab last ke do teen points quick thing ki tell me one thing which is fantastic or awesome in an online semester. Online semester you don't have to attend the classes, live classes, but still like you will miss that smell of the classrooms. And you can watch it later, lectures anytime. Just ud jao, lecture dekh lo, so jao. Nahane ki zarurat nahi. Bas pajama mein aa jao, lecture dekh lo. Sab recorded rehta hai, to jab chahe tab baith jao. Jab sab man kare tab dekh lo, aisa hai. Okay. That's the only thing which is good. Rest are all bad. All bad. You can say it's not so bad. Would have been much better if classroom wala mil jata, but online still. Yeah. Aur ek aisi cheez jo tumhe sabse zyada annoying lagti hai online semester ke bare mein, sabse zyada this whole online semester annoying, whole online semester, like the entire day you have to spend your time in front of a screen. So screen like mera to bahut sir dukhta hai, sir pad jata hai, stressful ho jata hai physically bhi aur mentally bhi. That is there. You're watching lectures whole week, you're watching lectures. Yeah. पहले पेरेंट्स बोलते थे कितना टीवी देखता है, अब बोलते तो टीवी नहीं देख रहा, लैपटॉप नहीं देख रहा, तो कुछ नहीं कर रहा. क्या बात हुई. Yeah, that is true. कि अभी लैपटॉप पे आई थिंक हमारा सबका वॉच टाइम बढ़ा है. जब ऑफलाइन था तो क्लास जाना होता था, भागदौड़ होती, थोड़ी बहुत लाइफ चहल पहल थी, तो थोड़ा स्क्रीन टाइम हमारा कम था. Yeah, but again we have to deal with these situations. No one had seen कि ऐसा भी कभी हो सकता था, but हुआ. तो we have to know कि हमें सीखना पड़ता है how to survive. और thankfully IIT Bombay is trying its best कि बच्चों को दिक्कत ना हो, और I think सारी चीजें सही भी चल भी रही हैं. तो they will definitely open up all the other facilities once the situations improve. Yeah, it's like even the professors want everything to open up as soon as possible, but they are not liking this online thing. उनको भी खास एंजॉय नहीं करी. They also want that classroom interaction and they have to record extra video lectures and stuff. Record then upload then ask the doubt. Like in the live offline semester you are teaching, then you can ask whether you got it or not. And in the offline semester it is not there. They are admitting it ki nahi ye online semester ka chala mazaa hai actually. Yeah, I think teaching का जो basic concept है वो ऐसे ही है, वो interaction ही एक उसमें होता था. सही होता है. और then you learn from everyone. अपने classmates से आप सीखते हैं, अपने professors तो definitely they are here to teach us, but आप classmates से भी आप सीख रहे होते हैं. कुछ doubt आया तो you can always approach them. तो है, but let's see. Yes. So Mikhil, आखिरी चीज ये बताओ कि what advice do you have for the incoming students? कि जो अगले अभी आप बच्चे आने वाले हैं और जैसा हमें ऐसा लगता है कि शायद अगला सेम भी ऑनलाइन हो, तो उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज? जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द 10 टू 15 आवर्स स्क्रीन टाइम.
and just do the offline work honestly, because the only God knows when the COVID will be COVID will end actually. पैसा पहले कभी हुआ नहीं ऑनलाइन सेमेस्टर में, बिकॉज हाँ हमने भी इनिशियली हम सोच रहे थे कि घर पे रह के कहाँ फ्रेंड्स बनाएंगे सब, बट धीरे धीरे भी या अभी मेड अ वेरी नाइस स्मॉल अभी सबको जानते हैं सबको, कभी फोन कर लो उसको रात में उठ के बोलेगा हाँ भाई क्या कर रहा है क्या कर रही है, बिकॉज यू नीड कंपेनियनशिप, ये ऑनलाइन सिम में बहुत जरूरी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप इफ यू विल गेट देयर इवेंचुअली, यू विल गेट देयर प्रॉब्लम साइड आउट साइड, तो यू नीड अ फ्रेंड टू डिस्कस इट विद, फ्रस्ट्रेशन हो किसी के साथ, किसी के सामने तो वेंट आउट करना है. So yeah, you need, so do make friends, don't just, you know, just interact with everyone, whoever's available, and talk, like, just don't be silent with yourself. Kuch bhi problems hai, even if you're not able to talk to your classmates, you have ICP mentors that we told about before, so maybe approach kar lena, just Yeah, definitely. Your advice and you know your words, your journey. Like, तुमने दो सेमेस्टर सर्वाइव किया definitely, तो उससे उन्हें काफी मोटिवेशन मिलेगा, and they will also learn कि मतलब काम चल रहा है, we can still can manage, और सारी चीजें चल रही हैं properly. So हो जाएगा, make the best out of what. ये भी time निकल जाएगा. I think it's a very good or maybe bad thing about time, कि this time will also pass. But it will change now. It will definitely change. We are hopeful. Yes. So thank you very much. Thank you for sharing your experience with us. And thank you for giving us this opportunity. Thank you for inviting.